अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ओर्चिड फोर्ड शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हुए रद्दी घोटाले का जिन बोतल से निकलकर एक बार फिर से बाहर आ गया। जिस मोहम्मद शरीफ अहमद की शिकायत पर इस घोटाले की जांच पड़ताल हुई थी उसे आज विश्वविद्यालयों में मारपीट व लहूलुहान कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोप लगाया गया कि वह विश्वविद्यालय के अकाउंटेंट से 2.5 लाख रुपए मांग रहा था। ये मांग अकाउंटेंट के खिलाफ RTI दाखिल न करने की एवज में की जा रही थी। ये बात अलग है कि अकाउंटेंट का कहना था कि वह शरीफ अहमद खुद दरवाजे में सिर मारकर लहूलुहान हुआ है। शरीफ को मेडिकल पुलिस अपने साथ ले गई। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आम दिनों की तरह ही आज भी कामकाज चल रहा था, तभी अचानक अकाउंटेंट मनोरम जीत के कक्ष से शोर शराबे की आवाज बाहर तक सुनाई देने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों ने जाकर देखा तो मोहम्मद शरीफ लहूलुहान हालत में कुर्सी पर अपना सिर पकड़े हुए बैठा था। उसे सूचना पाकर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस को दिए पत्र में अकाउंटेंट मनोरम ने कहा है कि एक व्यक्ति उनके पास आया जिसने अपना नाम मोहम्मद शरीफ अहमद बताते हुए उनसे कहा कि तुम्हारे खिलाफ RTI डालूंगा और ऐसी चीज मांगूंगा जिससे बचना मुश्किल होगा और तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा, वरना उसे इसके बदले 2.5 लाख रुपए दे दो। उसने रोकने का प्रयास किया तो उसने अपना सिर दरवाजे में मार लिया। मोहम्मद शरीफ खुद को वकील भी बताता है। इस बारे में अकाउंटेंट मनोरम जीत ने फर्स्ट बाइट को बताया कि विश्वविद्यालय में हुए रद्दी घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है। वे निलंबित जरूर हुए थे लेकिन वे MOU से संबंधित एक अन्य मामला था। शरीफ अहमद अक्सर वहां आता जाता रहता है। उसका काम ही RTI डालकर लोगों को परेशान करना है। वे RTI के नाम पर ही उन्हें भी ब्लैकमेल कर रहा था। आज तयशुदा कार्यक्रम के तहत वह पैसा लेने आया था, उसे पकड़ा तो उसने खुद को लहूलुहान कर लिया। वहीं शरीफ का कहना है कि उसे दरवाजे बंद कर पीटा गया जिससे उसके सिर में चोट आई है। मेरा नाम मनोरम जीत है और मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में लेखाकार के पद पर कार्यरत हूँ। सर, आज आपके साथ एक घटना हुई है, क्या घटना हुई है बताइए। सर, एक मोहम्मद शरीफ नाम का आदमी है जो अपने आप को वकील बताता है, वो RTI डालने का उसका काम है लोग तंग करने का, तो वो डाल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसने जो है अब उस मेरे पे जो है मेरे खिलाफ RTI डाल के फिर ये मेरे से पैसे की मांग कर रहा था 2.5 लाख रुपए। और जब मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है भाई, इतने पैसे कहाँ से दूँ, तो कहने लगा कि बैंक चलो मुझे लोन ले लो तुम और मुझे दे देना, पैसे की समस्या, तुम्हारी तनख्वाह भी अच्छी खासी है, कहने लगा। और ये मुझे डरा धमका के बैंक ले गया। इंडियन बैंक हमारे विश्वविद्यालय परिसर में ही है, वहाँ पे आप फुटेज भी देख सकते हैं। और आज ये जो है पैसे लेने आया था, तो जब ये पैसे लेने आया तो मैंने जो है अपना केबिन बंद कर दिया इसे बातों में लगा के और बाहर चला गया। केबिन बंद होने पे इसने जो है अंदर जो है तोड़फाड़ करी और पता नहीं कहाँ अपने चोट चाट भी लगा ली इसने। और इसके बाद जो है हमने यूनियन के अपने अध्यक्ष जी वगैरह को बताया, सर्वोत्तम जी वगैरह को, ये सब लोग आए और पुलिस को जो है इन्होंने सूचित किया, फिर पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।